हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं रंजन कुमार। आज हम लोग देखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, यानी इनकम टैक्स में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D में क्या चीज़ बोल रहा है। हम लोग देखेंगे किसको ये डिडक्शन मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, किस लिए मिलेगा। आज हम लोग वो डिस्कशन करेंगे फॉर असेसमेंट ईयर 19-20, फिनेंशियल ईयर 18-19। आपका स्क्रीन का पर देख सकते हैं आप, सेक्शन 80D इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 18-19। ये किन लोगों को मिलेगा? 80D किन लोगों को मिलेगा? ना, फर्स्ट है इंडिविजुअल को मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग, HUF को मिलेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगा। ठीक है, इसमें देखना पड़ेगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा तो आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, वो दोनों को मिलेगा। रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, वो दोनों को मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल में रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, और इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन सिटीजन हो, ये सबको 80D में डिडक्शन मिलेगा। यानी 80D में इंडिविजुअल जो भी उसका ये स्टेटस फॉलो कर रहे हैं, वो रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, उन लोगों को मिलेगा। HUF के टाइम में रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, उनको भी 80D में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अभी देखेंगे कितना अमाउंट मिलेगा, किस लिए मिलेगा, ये आप देखेंगे अभी। ठीक है, हैविंग ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये एक है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक है 80D में। आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ कर रहे हैं तो आपको इसमें 80D में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, 80D आपको समझ में आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिकल इंश्योरेंस कुछ पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं तो इसमें 80D में डिडक्शन मिलेगा। हैविंग ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट ओनली हेल्प कवर योर मेडिकल एक्सपेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी बना रहे हैं ये सिर्फ आपका मेडिकल एक्सपेंस कवर नहीं करेगा, इसमें क्या होगा ना, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। वही बोला गया है, इट्स ऑल्सो गिव्स योर रिलीफ फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी से भी आपको रिलीफ देगा। यानी आप जितना एक्सपेंस कर रहे हैं इसका ऊपर, उसमें आपको इसमें भी टैक्स बेनिफिट आपको ये एक्सपेंस देगा। ठीक है, इट्स ऑल्सो गिवेन यू रिलीफ फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटीज। ठीक है, सेक्शन डी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अलाउ टैक्स पेयर्स टू क्लेम डिडक्शन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग सेल्फ यानी खुद, आसेसी, स्पाउस, डिपेंडिंग चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको क्या चीज़ बोलना चाह रहा है ये। सेक्शन 80D क्या हो रहा है ना, अलाउ करता है टैक्स पेयर को टू क्लेम करने के लिए डिडक्शन, किसमें ना, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड करता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड करता है फॉर इंश्योरिंग, मतलब इंश्योर करने के लिए किन लोगों को ये हेल्थ इंश्योरेंस जो हम लोग बनाते हैं, मतलब सेफ्टी रखने के लिए, इंश्योरिंग करने के लिए, किन लोगों के खुद के लिए, स्पाउस के लिए किए होंगे या डिपेंडिंग चिल्ड्रेन, डिपेंडिंग है, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडिंग चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, इन लोग के लिए हम लोग कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम बना रहे हैं तो इसमें आपको 80D में डिडक्शन मिल जाएगा आसेसी को। ठीक है, खुद के लिए वो बनाएगा या स्पाउस के लिए बनाए, आपका आप हस्बैंड होंगे तो आपका वाइफ के लिए बनाए होंगे, या आपका डिपेंडिंग चिल्ड्रेन के लिए बनाए होंगे, या आपका पेरेंट्स फादर हो या मदर हो, इन लोग के लिए बनाए होंगे तो आपको 80D में डिडक्शन मिल जाएगा। अभी समझ में आ गया कि इन लोग 80D किसके लिए मिलता है। 80D अलाउज टैक्स पेयर टू क्लेम डिडक्शन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, खर्चा किया है, उसमें ये जो हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए किए होंगे ना, सेल्फ खुद के लिए किए होंगे या स्पाउस के लिए किए होंगे या डिपेंडिंग चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स के लिए किए होंगे, जो खर्चा किए होंगे इसमें आपको जितना खर्चा किए हैं उसको आपको वहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। एक्सेप्ट मतलब इसमें कंडीशन है कि आपको मैक्सिमम इतना तक मिलेगा। मान लीजिए आप 5 लाख खर्चा कर दिया तो 5 लाख थोड़ी वो डिडक्शन मिलेगा, उसमें प्रोविजन है कि आपको इतना तक मिलेगा। ठीक है, वो देखेंगे अभी कितना मिलेगा। ठीक है, आपका स्क्रीन का पर देख सकते हैं,
the maximum tax deduction that can be claimed under section 80D. Under section 80D, maximum tax deduction that can claimed under this section, yani on 80D mein, is rupees 25,000. Is rupees 25,000. Matlab 25,000 rupiah aapko 80D mein deduction milega. आप जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हैं तो आप जितना पेमेंट किए उसमें आपको 25,000 तक आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। इफ यहां पे और एक चीज बोला गया है, यहां पे बोला गया इफ इफ एनी ऑफ द पर्सन, मान लीजिए कोई इफ इसमें लगाया गया है, इसमें इफ लिखा गया, इफ any of the person specified in a senior citizen, मान लीजिए आप आशीषी खुद है, सेल्फ जो यहां पे लिखा है, मान लीजिए वो सीनियर सिटीजन है, या आपका स्पाउस जो वो सीनियर सिटीजन है, या आपका पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है, तो उस टाइम क्या करेंगे ना, ये अमाउंट कितना हो जाएगा ना, 50,000 हो जाएगा। यहां पे 25,000 क्या है, जो मान लीजिए इस जो आपका जो इन लोग के लिए करते हैं वो लोग आपका सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 मिलेगा। मान लीजिए वो सीनियर सिटीजन हो गया तो आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट 50,000, कितना मिलेगा मैक्सिमम 50,000, ठीक है। यहां पे अभी समझ लिए तो मैक्सिमम कितना मिलेगा वहां पे 50,000 मिलेगा, ठीक है। अभी समझ में आ गया, इसको और अच्छे से क्लियर मिल जाएगा। देखिए यहां पे चलते हैं सेक्शन 80D, सेक्शन 80D, ठीक है। यहां पे इंश्योर्ड इन लोग के लिए किए गया है, देखेंगे इंश्योर्ड किसके लिए किए हैं ये इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें एग्जेम्पशन लिस्ट देखेंगे यहां पे, ठीक है। सेल्फ खुद के लिए, आशीषी खुद के लिए किए होंगे या उसका फैमिली के लिए, फैमिली में क्या इंक्लूड होता है, स्पाउस होता है और डिपेंडिंग चिल्ड्रन होता है, ठीक है। खुद तो होते हैं, सेल्फ तो खुद है और उनका मान लीजिए आप हस्बैंड है, आपका वाइफ भी इसमें इंक्लूड होंगे फैमिली में, आपका डिपेंडिंग चिल्ड्रन इंक्लूड होंगे, तो आप ये दोनों केस होगा तो आपको 25,000 मिलेगा, मैक्सिमम 25,000 मिलेगा, ठीक है। सेल्फ एंड फैमिली एंड पेरेंट्स, यानी आप खुद है, आपका वाइफ है, आपका बच्चा है और आपका माता पिता है, तो उस टाइम क्या होगा ना, 50,000 मिलेगा, 25,000 प्लस 25,000, ठीक है। मतलब पेरेंट्स के लिए 25,000 और बढ़ गया, ठीक है, टोटल 50 हो गया। थर्ड केस देखेंगे, सेल्फ खुद के लिए एंड फैमिली के लिए प्लस पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वहां पे ना, उस टाइम हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, उस टाइम 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 प्लस सेल्फ एंड फैमिली के लिए यहां पे तो देखे थे 25,000, तो टोटल आपका 75,000 मिल जाएगा। खुद होंगे आपका फैमिली के लिए प्लस पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन यानी 60 ईयर या 60 ईयर से अबव जो है, तो उन लोग के लिए आप बनाए होंगे आप पेरेंट्स से, तो उन लोग का कि उस टाइम क्या हो जाएगा ना, 75,000 मिलेगा, ठीक है। यहां पे सेल्फ खुद सीनियर सिटीजन है एंड फैमिली सीनियर सिटीजन है प्लस पेरेंट्स जो है वो आपका सीनियर सिटीजन है, ऑब्वियसली होंगे, आप सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो वो पेरेंट्स आप सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, सीनियर सिटीजन क्या सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, उस टाइम क्या होगा ना, आपको 1,00,000 मिलेगा, यानी 50 आपका सीनियर सिटीजन है 50 प्लस आपका पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है 50, तो टोटल आपको 1,00,000 मिल जाएगा। वही प्रीवियस में जो बोला गया था, यहां पे जो बोला गया था सीनियर सिटीजन होंगे तो उस टाइम 50 हो जाएगा, 25 के जगह में 50 हो जाएगा, यहां पे वही चीज दिखाया गया है। आपका फैमिली या आप खुद 60 ईयर से कम है तो आप उस टाइम सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 मिल रहा है, जैसे आप पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं होंगे तो उस टाइम 25 मिल रहा है, 50 मिल रहा है, जैसे ही पेरेंट्स आपका सीनियर सिटीजन हो रहा है 50 उन लोग के लिए हो जाता है, आपका तो आप सीनियर सिटीजन नहीं है इसलिए 25 है, टोटल हो गया 75,000, ठीक है। आप भी सीनियर सिटीजन है, आप पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, उस टाइम 50 करके 1,00,000 मिलेगा, मैक्सिमम
ये आपको साल में 80D में डिडक्शन मिलेगा। आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरते हैं उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको जितना पेमेंट किए हैं उसमें आपको इतना डिडक्शन मिल जाएगा इन लोग के अगेंस्ट में आप इंश्योरेंस किए होंगे हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अभी वो देखेंगे कि ये जो प्रोविजन है 80D में डिडक्शन कैसे मिलेगा, किसका थ्रू पेमेंट करना चाहिए, जो अमाउंट जो पेमेंट करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है किस थ्रू में पेमेंट करने से आपको ये होगा, कैश में पेमेंट करेंगे या चेक में पेमेंट करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे तो मिलेगा या नहीं, वो चीज़ देखेंगे अभी। एनी मोड ऑफ पेमेंट यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ETC, ये सब में होगा, इज एक्सेप्टेबल क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, यानी ये सब में आप पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन 80D में मिल जाएगा, डिडक्शन क्लेम हो जाएगा, एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक्सेप्ट ये वर्ड याद रखें, एक्सेप्ट इसको छोड़ के प्रीमियम अमाउंट रेमिटेड बाई कैश में प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो उस टाइम आपको 80D में डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये सब में डेबिट कार्ड थ्रू, क्रेडिट कार्ड थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के थ्रू ये सब करेंगे तो 80D में डिडक्शन मिलेगा, एक्सेप्ट आप कैश में पेमेंट करेंगे प्रीमियम अमाउंट रेमिटेंड बाय कैश एक्सेप्ट है, ये नहीं मिलेगा 80D में डिडक्शन। आप कैश में पेमेंट करेंगे प्रीमियम अमाउंट, कैश में पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करेंगे किसका थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र का थ्रू करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, उस टाइम आपको 80D में डिडक्शन मिलेगा वो प्रीमियम अमाउंट, लेकिन आप कैश में पेमेंट कर दिए तो उसको डिडक्शन 80D में नहीं मिलेगा। ठीक है, पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उस टाइम क्या हो जाएगा ना, आप उस टाइम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो करने के लिए जाते हैं मेडिकल में उस टाइम आपको क्या हो जाएगा, आप कैश में पेमेंट करेंगे तो उस टाइम आपको वो डिडक्शन 80D में मिल जाएगा, सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ केस में आपका मेड ऑफ पेमेंट जो है कैश में कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया कैसे कैसे आपको पेमेंट करना पड़ता है, बाकी तो ये चीज़ आपको बोल दिया हूँ, डिडक्शन जो है मिलेगा सिर्फ आपका जो है डिपेंडिंग चिल्ड्रेन को मिलेगा, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रेन को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें एडिशनल डिडक्शन जो है ₹5,000 मिलेगा। ठीक है, एक्सपेंस रिलेटिंग टू हेल्थ चेकअप, ये एडिशनल मिलेगा हेल्थ चेकअप के लिए, जो आप हेल्थ चेकअप के लिए जो खर्चा करते हैं ये एक्स्ट्रा 5,000 मिलेगा, जो 25,000 और 50,000 था उसमें एडिशनल ये मिलेगा 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा हेल्थ चेकअप के लिए। ठीक है, दिस लिमिट इंक्लूड हेल्थ चेकअप एक्सपेंस फॉर ऑल डिपेंडिंग इन द फैमिली, जो फैमिली में आपका जितना डिपेंडिंग है आपका फैमिली मेम्बर, ये पेरेंट्स नहीं है, आपका फैमिली मेम्बर जितना सारा डिपेंड है तो इसमें क्या क्या रखना, आपका 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। ठीक है, हेल्थ चेकअप के लिए आपको रिलेटेड टू हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अभी आप समझ लिए, 80D अभी समझ में आ गया। ठीक है, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और एक दोस्त याद रखिए मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब करिए, और पास में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, इससे क्या होगा ना जैसे ही मैं नया नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।